हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, सुबह के 6 बज रहे हैं और अंकित जी और मैं मिलकर बना रहे हैं पूड़ी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं घर शिफ्ट। तो हमने क्या है, 10 बजे का ही बुला लिया था, तो सारा पैकिंग मेरा ऑलमोस्ट मैंने रात को कर लिया था। किचन बस वाइंड अप करना था, तो मैंने सुबह सुबह उठा और पूड़ी वगैरह रेडी कर रही हूँ। तो अंकित जी भी हेल्प करवा रहे थे ताकि दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग दोनों मिलकर जल्दी जल्दी कर रहे थे, और बाकी छोटे मोटे पैकिंग भी बचे हुए थे तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। और वही हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और पूड़ी बना के ले जाएंगे। तो यह है कि दोपहर में तो तुरंत किचन सेट नहीं होगा ना, तो यह है कि अभी तो नाश्ता भी हो जाएगा साथ में और खा कर भी जाएंगे, और इसको मैं पैक कर लूँगी, दोपहर का काम हो जाएगा, रात को कुछ बना लूँगी वहाँ जाकर। तो इसीलिए जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी मैं। फिर भी क्या है, कितना भी करो कुछ ना कुछ रह ही जाता है सारा काम। तो इस तरीके से हमारा मॉर्निंग हुआ। और ये देखिए, अंकित जी बना रहे हैं पूड़ी, बढ़िया पूड़ी बनाते हैं, वो भी एकदम फुली फुली पूड़ी बन रही थी। तो मैं बोली आपके साथ दिखाती हूँ मैं, अंकित जी भी अच्छा बना लेते हैं। और मैं यहाँ देखे, अब हम सब नहा वहा लिए थे, रेडी हो गए थे नहाकर जाने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ जाकर नहाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम जल्दी ही नहा लिए थे। और पीहू की चोटी कर रही थी मैं, इसके बाल बढ़ गए हैं, मुझे इसके बाल कटाने हैं पर टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, ये धूप देखिए, में सारी मुझे तैयारी चल रही दिखाई थी, नहीं सामान रहा। पैक हो गया है, तो धूप में तो हम तुम बहुत ऐसे लग ही रहे हो। एडजस्ट करके खाना पीना चल रहा था। और वहाँ जाकर भी वैसा ही होगा, वो तो हो नहीं है, क्योंकि एक दिन में सारा सामान सेट नहीं हो सकता है। तो बस उस तरीके से जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी मैं, पीहू को भी, मैं भी रेडी हो गई थी। और शिफ्टिंग करने वाला दिन रहता ना, उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कितना भी आप तैयारी कर लो तो भी काम तो बहुत हो जाता है। 2 दिन पहले से ही काम कर रही थी मैं, कमर टूट गई थी मेरी, और आज भी था कि जल्दी जल्दी करना है, 10 बजे गाड़ी आ जाएगी। तो पीहू को भी अंकित जी खिला रहे हैं, साथ साथ में मैं इसे रेडी कर दे रही हूँ। और एक होता है ना, इतने साल रहे हैं, 4 साढ़े 4 साल रह ली मैं इस जगह में, तो एक होता है छोड़ने के टाइम थोड़ा सा तो फील होता है ना, क्योंकि पीहू का सारा बचपन जो है यहीं बीता इस घर में। ये पीहू आई थी जब यहाँ इस लोकेशन में, तो वो 1-1.5 साल की थी, और उसको 1-1.5 साल की लेके आई हूँ छोटे से, यहाँ इतने 4 साढ़े 4 साल गुजारी, तो थोड़ा सा फील तो हो रहा था कि हम छोड़ कर जा रहे हैं। पीहू की चोटी बन गई है गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो है आज है शिफ्टिंग का काम, और पीहू रेडी हो गई है, अभी 9:30 हो रहे हैं, तो 9:30 पीहू जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही है। तो बस नाश्ता कर कर फिर हम बाकी, देखिए हमारे घर का हाल पूरा फैला हुआ है, और अभी बस थोड़ा बहुत पैकिंग बचा है, किचन का थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो सारे करने हैं। ऑलमोस्ट सारा पैक हो गया है पूरा। आपको सैंडल बना देता तो हूँ, पीहू को बस रेडी मैं कर चप्पल रही नहीं थी मैं, लाऊंगा। बोली उससे फ्री हो जाऊं, फिर उसके बाद हम पैक कर कर सारा चीज, और रात को सोए थे तो गद्दा वगैरह भी पैक करना बचा हुआ है, तो वो सब फिनिश कर 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 लिया, फिर फिनिश निकलेंगे। कर सो फ्रेंड्स, ये देखिए ट्रक आ गई थी, सामान लोड हो रहा था, तो थोड़ा सा लोड हो रहा था ना, उस समय थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि हमें घर खाली कर रहे हैं, अभी हम रुक लोग जाओ, जा उसको रहे हैं इस निकालेंगे। जगह से, थोड़ा सा लगता ही इतने साल जहाँ रहो तो उसके बाद। फ्रेंड्स, हमारा जो है सारा काम हो गया है, बस लास्ट लाइट वगैरह निकाल रहे हैं और फिर हम जाएंगे। गाड़ी निकल गई है सारे सामान लेकर, और पूरा घर खाली हो चुका है, आप देख सकते हो। अंकित जी जो है लाइट निकालने का काम कर रहे हैं पूरा। तो बस अब हम जाएंगे और नए घर में मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस घर को लॉक कर रही हूँ। 4 साल हमने गुजारा, काफ़ी अच्छा टाइम बीता, पर यही था थोड़ा सा घर में मेंटेनेंस जो था वो अच्छा नहीं था, तो मुझे इसलिए भी थोड़ा छोड़ना ही था ये घर। पर एक अटैचमेंट रहता ही है काफ़ी सालों का, तो वो थोड़ा सा था ही, पर कोई नहीं, नए घर में भी सेट हो जाएंगे।
सो गाइस, हम आ गए हैं और अभी टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, पर ये देखिए हम खा रहे हैं पूरी सब्जी। मैं बना ली थी मॉर्निंग में ही ना, तो वही खा रहे हैं। और ये है अंकित जी और पीहू, तो खाकर बाकी काम करेंगे, सेट करने का काम। आज तो पूरा ही दिन जाने वाला है, अभी टाइम भी लगेगा, एक दिन में होता नहीं है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ फटाफट। खेलोगी दीदी के साथ? पीहू को यहाँ आते ही फ्रेंड मिल गए। और यहाँ इस कॉलोनी में ये अच्छा है कि पूरी गर्ल्स है, 5-6 गर्ल्स है, तो पीहू खूब इंजॉय कर रही है, आते साथ ही खेलना शुरू कर दी वो, और आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा थोड़ा सामान सेट किए हैं। किचन देखिए, फ्रिज लगा लिए, और ये देखिए किचन मैंने सेट किया, धोया पूरा, साफ करी हूँ, और पूरा अभी बर्तन धोई पानी से, पूरा धोकर सेट करी हूँ। और बस ऐसे काम चल रहा है ऊपर भी। तो अब पीहू खेलने निकल गई, तो बस मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आप एक दिन में तो नहीं होगा, जितना होगा उतना आज करेंगे, बाकी कल करेंगे। गाइस, आज मैं किचन में, इस किचन में बना रही हूँ अभी पुलाव, क्योंकि इंस्टेंट यही बन सकता है। तो मटर छील लिया मैंने, और ये देखिए सोयाबीन बड़ी भी भिगा लिया है। मटर और सोयाबीन बड़ी मिलाकर पुलाव बना रही हूँ। अभी मैंने जितना हुआ जमाई हूँ, अभी भी आधा किचन बचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत कर करके धीरे धीरे करते रहूंगी। तो पूरी इस तरीके से बन रहा है, तो मटर पुलाव बनाऊंगी, और बस यही करना है, झटपट बन जाता है, इजी है। और इतने ज्यादा थक गए हैं अरेंज करते हुए। बेडरूम हमने अरेंज किया और किचन 50% हो गया है, क्योंकि मेन यही दो चीज होती है जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है, तो ये दो हमने अरेंज कर दिया है। और बाकी धीरे धीरे कल होगा और एक दो दिन में होते रहेगा। ये दो चीज को हमने सेट कर दिया है, और फिर उसके बाद बस भूख लग गई है, जल्दी जल्दी यही खाना बना रही हूँ मैं। तो पुलाव बनाऊंगी आज मैं। तो भगवान अभी हमने सेट नहीं किया, क्योंकि हम अभी ठंड भी है अभी, और रात को नहाने का मन नहीं कर रहा था, तो मुंह हाथ धोएंगे अभी। तो भगवान मैं सेट करूंगी, फ्रिज के ऊपर ही रखूंगी, पहले भी मैंने फ्रिज के ऊपर ही रखा था, तो यही रखूंगी। पूरब दिशा पड़ता है ये वाला, तो इधर पूरब दिशा करके फिर रखूंगी, कल नहा धोकर सेट करूंगी भगवान जी को। तो मैं अब जल्दी जल्दी पुलाव बना लेती हूँ। और ये हमारा पहला दिन था इस घर में इस तरीके से, तो पहली कुकिंग अभी कर रही हूँ इस घर में पुलाव से, शॉर्टकट और इजी। ये मटर आलू की सब्जी है जो मॉर्निंग में मैंने बनाया था, तो वो बचा हुआ है, वो गरम कर रही हूँ मैं। और ये है पुलाव, पुलाव रेडी हो गया है, अब हम खाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए न्यू हाउस में हमारा आज का डिनर, तो यही था हमारा डिनर, क्योंकि थोड़ी बहुत पूड़ी बच गई थी, सब्जी बच गया था, पुलाव मैंने बना लिया था। और देखिए अभी घर अरेंज नहीं है, तो हमने इस तरीके से बैठकर हम खा रहे हैं। अभी सब अरेंज होगा, टाइम लगेगा, एक दो दिन और लगेगा मुझे अभी अरेंज करने में। और कल वैसे भी मम्मी जी आ जाएंगी, मेरी सासू माँ आएंगी, तो थोड़ा सा वो आ जाएंगी तो और हेल्प हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी और सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सब मैनेज कर रहे हैं, जितना आज हो पाया उतना आज कर दिए, और बाकी कल कर देंगे। और हम आपस में बात भी कर रहे थे कैसे क्या सेट करना है कहाँ पे। दिन भर ऐसे ही बीत गया था सब अरेंज करते करते। खाने का टाइम ऐसा होता ना जिसमें आराम से बैठ कर बात कर सके, तो अंकित जी पीहू को खिला रहे थे, पीहू पुलाव बस खाई उसमें घी डालकर, वो तो ऐसे ही खाती है, कुछ सब्जी भी उसको पसंद नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं ऊपर, अब जाएंगे हम सोने। और पीहू थोड़ा सा वीडियो देखने का जिद कर रही थी, तो पीहू वीडियो देख रही है। और अंकित जी, कैसा रहा आज का दिन? हेलो एक बंदे ने धोखा दे दिया, तो अंकित जी को पूरा हेल्प करवाना पड़ गया, साथ में लगकर दो लेबर तो थे पर साथ में अंकित जी को कराना पड़ गया। तो आज खूब मेहनत किए हैं, तो अब फाइनली नींद आएगी। और इस घर में हम फर्स्ट टाइम
सोने वाले हैं, देखते हैं कैसा, जगह चेंज होने से थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है ना, अब पता नहीं कैसा नींद आएगा। तो अब बस हमने सबसे पहले बेडरूम सेट किया, फिर किचन, ये दो काम कर लिया, बाकी अब घर बाद में धीरे धीरे सेट होता रहेगा। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।